खास बात यह है कि आज तुम्हें ये बताएंगे कि थार पेट्रोल तो ये कितनी चलेगी, क्या है पावर पिकअप, बहुत जबरदस्त है भाई। में जहाँ पे भी आपकी क्वार्टर टंकी हो तेल डलवा लो, फुल करा लो बस। लो भाई दिक्कत नंबर दो, क्योंकि मैंने अभी बताया था लैंडस्लाइड की वजह से ना एक लाइन को बंद कर देते हैं फिर दूसरी को चलाते हैं, तो अभी हमारी वाली लाइन बंद है और बहुत मैं भाई पूरा गांव क्रॉस करके आ गया और अपनी गाड़ी वहाँ सामने आ गई, अभी उसको पूरा चक्कर काट के आना है यहाँ से। हमारी जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी एवरेज दे रही है, देखो जी एवरेज दे रही है 11-12 की, पेट्रोल थार 4x4 एवरेज दे रही, बढ़िया। सो भाई वेलकम टू द न्यू व्लॉग, और जिन्होंने लास्ट दो व्लॉग नहीं देखे वो देख लो, पता लग जाएगा हम कहाँ हैं, और ना हिम्मत तो फिर बता देता हूँ भाई, केदारनाथ आए हुए हम, और लास्ट दो व्लॉग में केदारनाथ यात्रा हमने करी और अब जाने का टाइम हो गया, तो पीछे का बैड हो गया सेट ईवीओ नवीन घुसे का, बढ़िया बैड बना रखा भाई। एक थोड़ा सा वो थी कि भाई पीछे वाली जो सीट है ना वो परेशान हो जाएगा बंदा, परेशान नहीं, लेकिन एक बंदे के लिए बहुत बढ़िया है, दो बंदे तो परेशान हो जाएंगे पीछे, दो बंदे परेशान हो जाएंगे। ये तो मेरे लग्जरी सीट है, लग्जरी तो है बट एक आदमी खातर, एक आदमी खातर, हाँ बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास है एक आदमी खातर, और दो खातर या वो है क्या है भयंकर सरदर्द। तो भाई आज के व्लॉग में खास बात पता क्या है, वैसे तो हम वापस जा रहे हैं दिल्ली, ठीक है, तो खास बात यह है कि आज तुम्हें ये बताएंगे कि थार पेट्रोल, ठीक है, एम स्टैलियन इंजन किलोमीटर, तो ये कितनी चलेगी, क्या है पावर पिकअप, बहुत जबरदस्त है भाई, 150 PS की पावर बहुत ज्यादा होती है, ओआर में खोलना बहुत जरूरी है, उसके लिए बीच में बटन है भूल जाते हैं हम क्योंकि ऑल्टो में साइड में होता है। गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हाँ तो आज भाई हम यूं दिखाएंगे तुम्हें कि थार जो है ना पेट्रोल ना, पहले खुर्च ले रहा है वो, आप अभी खुर्च देंगे थोड़ी, किस तरह बोल रही थी उसकी गाड़ी है ना डीजल वाली बात थी, वाट एटीओस बेकार हो रहा है इंजन गति, बेकार तो हमारा लेंस भी हो रहा है, साफ कर लूंगा ये, ठीक है ये मैं सुथरा सा आया। अच्छा हाँ तो भाई आज थार की वो दिखाएंगे, और हम तीन लोग आए थे भाई इसमें, और पीछे वाली सीट बड़ी सही है, ऐसे देखो अभी थोड़े दिन में सोता हुआ मिलेगा ये, आते हुए अगर व्लॉग नहीं देखा देख लेना, सोता ही आया था ये, सोता ही जाएगा, और ये देख लेना तुम, क्योंकि इसका सोने में जो विश्वास है ना, सूरज सोता है तो मैं सोता हूँ, जो सूरज जागता है तो मैं जागता हूँ। अच्छा अब मैं शाम तक, सूरज कौन है, मौसी का छोरा। तो भाई ये देखो बस साइड में पूरी जबरदस्त वादियाँ थी, और बस वादियाँ थी इसलिए चल पड़े इतने, नहीं तो जो साइड में कंक्रीट के जंगल होते तो नहीं चले जाता इतना, भगवान कसम। बहुत भयंकर भाई, बहुत खतरनाक चढ़ाई थी केदारनाथ की, बहुत थक गए घने, ज्यादा थक गए भाई, हम चलाएंगे भाई कौन सा भजन, अपनी ठकुरानी तो राधिका रानी, बस सुबह तो जुबान पे यही चढ़ रहा था, तो यही चलाएंगे पहले फिर करेंगे बाकी सारी बात। और इसमें ये ना वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है थार में, तो अभी वायर के साथ ही कनेक्ट होगा और यहाँ पे चलेगा अभी एंड्रॉइड। कुछ इस तरह का रोड था आते हुए भी, वैसे मैंने व्लॉग्स में दिखाया था बट अभी जाते हुए फिर से दिखा देता हूँ, रोड जो है ना काफ़ी बीच में ऐसा पैच आएगा जो बहुत टूटा हुआ है और लैंडस्लाइड हो रखी है बहुत बुरी तरह, और जो पिछली अभी बारिश गई ना भाई वो बहुत तबाही मचा के गई थी उत्तराखंड में हिमाचल में, सबने देखा ही होगा न्यूज़ वगैरह में, तो काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखी थी, रोड वगैरह काफ़ी जगह ब्लॉक है, सिंगल सिंगल साइड से ओपन करते हैं, तो कुछ ऐसा, और ऐसे में आप समझ सकते हो कि क्योंकि ये 4x4 है पेट्रोल है और इतनी बड़ी गाड़ी है और एरोडायनेमिक तो माशाल्लाह है ही इसके, बहुत ही ज़बरदस्त खड़े शीशे वाली गाड़ी है। तो मतलब हाथी के एरोडायनेमिक थार से बेटर होंगे। हाँ हाथी के तो होंगे, वो तो अपने कान नू पीछे ले लेना शरीर के लिए या नहीं ले पाती, कान भी बड़े बड़े हैं इसके, तो कष्ट के लिए खेद वैसे मान रही है गवर्नमेंट, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर कम चल जाएगी फिर भी चला लेंगे हम, और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात हमारे पास तेल भी नहीं है
हम इसको दो दिन से रिजर्व से भी नीचे में चला रहे हैं। एवरेज चेक करने के चक्कर में ले गए थे, पेट्रोल पंप नहीं पाया। एक्चुअली हमें लग रहा था कि वहाँ पेट्रोल पंप होगा, लेकिन वहाँ पेट्रोल पंप था नहीं। अब वापसी में पेट्रोल पंप है लगभग वहाँ से 14 किलोमीटर पेट्रोल पंप बता रहे थे, तो हम ये 3-4 किलोमीटर ही आए होंगे, 4 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर और पेट्रोल पंप है भाई। और ये देखो इस तरह के वाटर पंप में जहाँ पे भी आपकी क्वार्टर टंकी हो तेल डलवा लो, फुल करा लो बस। वो देखो भाई कोई गारंटी नहीं है कि आपका किसी प्राइम स्पॉट पे पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मिलेंगे, फिर इन पे पेट्रोल लाना पड़ेगा। हम लास्ट टाइम कुफरी भी गए थे तो मशोबरा के बाद कुफरी में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। हम कुफरी से आगे इसी गाड़ी में थे, आगे 20-25 किलोमीटर आगे जाके पेट्रोल डलवा के लाए थे। अच्छा जी, इसी डर में कि भाई खत्म ना हो जाए, वही काजा वाले रास्ते पे। हाँ, काजा वाले रास्ते पे कुफरी में कोई पेट्रोल पंप नहीं आता बीच में। हाँ आखिरी मशोबरा साइड है एक आधा पेट्रोल पंप पीछे, वो भी मार्केट में जो पीछे मार्केट रह जाती है मशोबरा से भी पहले 10-15 किलोमीटर। तो चॉइस थी कि हम कुफरी में थे और वापस हमें मशोबरा आना था, तो आगे ही जाना बेटर था। पूछ लिया था हमने किसी से, पेट्रोल पंप था तो आगे गए पेट्रोल डलवाया। यही गाड़ी थी, यही गाड़ी थी। हम भी भाई स्पीति गए ना, मैं और भी ने, तो हम भी पेट्रोल की एक्स्ट्रा लेके गए थे। हमने भी भाई तेल मतलब टाइम से पहले ही डलवाया हमने तो हर जगह। बिल्कुल, जहाँ मिले वहाँ डलवा लो, मतलब क्वार्टर टंकी पे अगर पेट्रोल पंप दिख रहा है तो डलवा लो बस फटाफट। तो अभी देखते हैं भाई पेट्रोल पंप कितनी देर बाद आता है, फिर इसको टैंक को फुल कराएंगे। पूरा फुल कराएंगे भाई ऊपर तक बिल्कुल। लो भाई दिक्कत नंबर दो, क्योंकि मैंने अभी बताया था लैंडस्लाइड की वजह से ना एक लाइन को बंद कर देते हैं फिर दूसरी को चलाते हैं, तो अभी हमारी वाली लाइन बंद है और बहुत दूर तक ट्रैफिक है, तो हमें बंद करके गाड़ी बैठना पड़ेगा क्योंकि अपने पास तेल नहीं है। करण ओजला सुनेंगे हम सॉफ्टली। मेरे ते हंस दे, पैसे ज्यादा दे दूंगी, मैचिंग कर देगा तो दस दे। लो भाई हो गया काम, 7-8 किलोमीटर लंबा जाम है, एक जगह तो निकलवा दी गाड़ी रोक रख के, बहुत दिक्कत होगी। और पेट्रोल पंप बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब समझ रहे हो, घनी ज़्यादा दूर है, घनी ज़्यादा। मैं भाई पूरा गांव क्रॉस करके आ गया और अपनी गाड़ी वहाँ सामने आ गई, अभी उसको पूरा चक्कर काट के आना है यहाँ से, और अभी आगे भी जाम ही जाम है, तगड़ा जाम लग रहा है, बहुत ही लंबा जाम है, बहुत ही लंबा। और यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है, दिक्कत ये है बस। तो भाई एक तो ये मोड़ पे लैंडस्लाइड हो रखी है बिल्कुल ना, इसकी वजह से जाम, यहाँ सिंगल सिंगल गाड़ियाँ निकलेंगी। अब आगे से बस आ रही है, यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं तो उन्होंने आगे से निकाल दिया जाम। अब आगे भी थोड़ा लैंडस्लाइड है तो थोड़ा आगे तक और जाम है, जैसा कि गांव वाले बता रहे थे। और नीचे देखो ये मंदाकिनी नदी साथ साथ बह रही है भाई, लास्ट लोग में मैंने कई जगह इसको वो बता दिया ना, दूसरी नदी का नाम ले दिया मैंने कोई, बट ये मंदाकिनी है यहाँ पे। लो भाई वो बस फंस गई, अभी पुलिस वाले जा रहे हैं। तो यहाँ भाई दिक्कत यही है, जब बड़े वाहन आ जाते हैं ना, ये रोड छोटा सा है, अब दो बसें फंस गई देख लो वहाँ, ये देखो क्या ही कर सकते हैं भैया, बैठे हैं आराम से, क्योंकि भाई दो दिन से चल ही रहे हैं। और अभी फिर मैं कम से कम 4-5 किलोमीटर आ चुका हूँ, ठीक है, अभी 2-3 किलोमीटर का और जाम है मेरे ख्याल से। देखो भाई अगेन इस मोड पर दोबारा ये पूरा रोड ही धस चुका है, आधा से ज़्यादा रोड ख़त्म होके नीचे जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ इतने से रोड पे से मतलब एक गाड़ी निकल पाई या एक बस निकल पाई, इतना ही रोड बचा हुआ है यहाँ, और हमारी गाड़ी अभी निकलेंगी नहीं क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा उनको। तो भाई अब धूल उड़ रही है ज़्यादा, तो मैंने मूड बांध लिया और अभी तक आए नहीं है भाई, शायद एक मोड़ पीछे हैं बस वो, ठीक है। अब हमारी लाइन चलेगी तो शायद निकल आएंगे, अभी उधर वाली लाइन दोबारा चलाइए, एक लाइन चलती है एक रुक जाती है, ऐसे कुछ चल रहा है। मैं यहाँ बैठ गया था भाई, थक गया था, पानी वानी लिया पिया, अब उन्हीं की वेट कर रहा हूँ, अब निकलता भाई। एक आधा कमांडो नहीं बन जाएगा बीच में, ये देखे एक कमांडो आ रहा है, ये खाली रोड पड़ा इधर, देख सब कहीं कह रहे हैं उधर ही लगा के चलो, पूरा कमांडो बन रहा है, इन्होंने मेरा आगे क्यों रहा है, पूरा जान है भाई। भाई थोड़ी देर आगे हो रहा क्या, यहाँ एक शेड के नीचे बैठा हुआ हूँ, अच्छा शेड है, और ये अभी जाम लग ही रहा है भाई, और मैं बस आगे से आगे बढ़ ही जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ अब नहीं चलूँगा फिर चलने लग जाता हूँ। और देखो वहाँ पे ये वाली वैली देखो, यहाँ पूरा जो पहाड़ दूर तक दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अभी थार तो क्या ही दिखाऊँ भाई, अभी तो तेल की इतनी दिक्कत हो रही है,
अब यहाँ भी लैंडस्लाइड हो रखे, बीच में सिंगल सिंगल गाड़ियाँ निकल रही हैं। फाइनली आ गई गाड़ी, पौने 2 लीटर तेल मिला मोटरसाइकिल वाले का। उस मोटरसाइकिल वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा व्लॉग तो मारे घर वाले नहीं देखते, तू तो कितने देखेगा। तो उससे मेरा क्या फायदा? इस अंग्रेज की टेंट जल गई बेचारे की, इतनी गर्मी में ठंडे इलाके तक आया होगा पक्का। अच्छा ही मैं हेलमेट पीछे टांग रहा है, टेंट जल गई देखी हो। फाइनली थोड़ा जाम सा खुला है और अब नीचे तक देखोगे देखो कितना खूबसूरत व्यू है, और नीचे तक पूरा जो रोड है वो खाली है भाई, जबरदस्त। ये यहाँ से दिखेगा भाई, तुम्हें देखो सही है ना, खाली है, सब खाली है। पुलिस एसडीएम आ गया सामने था एसडीएम भाई, एसडीएम होकर होगा तेल खत्म होने वाला गाड़ी में। हम भी पूरे तंग हो रहे हैं। लो भाई फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया है, एवं बंदे ना बंदा नहीं समझने के। अरे एसी भी चलाएंगे एक बार, मेरी सूरत जो है ना वो ठीक रहेगा, मेरे से कोई पानी भी नहीं मांगेगा, कोल्ड ड्रिंक सॉरी। तो भाई सबसे बड़ी बात, थार की जो टैंक है ना वो इससे खुलेगा यहाँ से, ठीक है। अंदर से कुछ नहीं दे रखा, यूँ खोल लो, चाबी निकालो, चाबी वापस दो। अच्छा एक्स्ट्रा है गए तो दो चाबी लेके चलनी पड़ेंगी, मतलब नू लेगा रहे दो चाबी तो यूँ है असली बात। इसका भी वो बनने लग गया, बटन बन जावा है, बनवा लो। चलो भाई अब टैंक फुल कराने का टाइम आ गया। भैया 96.95 रेट है, फुल कर दे भाई ऊपर तक कती जान दे। देखते हैं भैया कितना आएगा। इससे क्या होगा, कम डलेगा। अच्छा एड आन लग रही है कि 750 से नीचे डेंसिटी नहीं होनी चाहिए, लो डेंसिटी वाला सही है। ये गिन दिया भाई तेल लगने तो पहले कैश गिन दिया है, कि आइडिया है कितने का आएगा? 6000 का देखते हैं अब भाई, कह रहे हैं 5 से ऊपर का आएगा, 6000 से नीचे का देखते हैं कितना आएगा, फिर हम ट्रिप जीरो करेंगे। पॉइंट 5000 से ऊपर आ गया। 52 लीटर 55 लीटर का ही है इसका टैंक, 60 का तो नहीं है। ये देखो भाई ये किराए पे जो थे। मैं तेल लेकर आया था यानी वो काम आया, वो तेल काम आ गया भाई, पौने 2 लीटर तेल लाया किसी का, मांग का मोटरसाइकिल लेता है कितने रुपए लिए यार? 2 लीटर का करना जी, ठीक है 52.81 तेरी मेमोरी का नहीं पता भाई कुछ भी। चलो भाई फोटो खींच ली मैंने, लकड़ी है सीट ने पीछे। चलो थोड़ी आगे करें, ट्रिप जीरो कर लेना I-20 वाला सिगरेट पियो था, कर देंदा काम ट्रिप जीरो। ओडोमीटर में भाई 17631, ये भी याद रख लेंगे ना, इतना याद रखने की जरूरत तो नहीं। ये हो गया ट्रिप ए, लो भाई ट्रिप ए जीरो हो गया अपना, ठीक है। और 17631, अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी सीधा जूस खाली दुकान में, सीधे जूस इसमें खा लिया भाई। पता दो ही चीज़ महंगी पड़ी हुई है, एक तो गाड़ी का तेल और एक तो जूस और फ्रूट और जूस।
किन्नौर के सेब पाए थे सेब लिए थे इसने से मुंडे और पूरे चोट में इसने छह केला लिए था सोचा तीन सड़ गए कती आज सुबह बाहर करे आज सुबह में क्यों चलो भाई इसने जूस पे आएंगे गाड़ी में तेल तो डलवा दिया ठीक है वो शर्त लांदा वो शर्त लागे और उतना स्वाद आ जाएगा मैं जीत जूंगा तेरे वजह से हैं क्या की शर्त लांदा यू किसी चीज की शर्त लगा कर पी का जूस पी सके चाय मैं बता रहा हूं कुछ भी ले आओ इसका क्या मोटी आदत को पीने बनवा रखे मेरी ऐसा कट गया मैंने कहा बास्केटबॉल में ना आज तक ऐसा नहीं होया मैं जीत गया हूं मतलब क्रिकेट में भी नहीं मतलब ये लगा लो मैं मान लो इसकी गेल कोई बंदा खेल रहा है इसकी गेल बढ़िया खेल लेगा वो ठीक है और मेरी साइड में बंदा है लगे हो कुछ करा है मतलब उन गेल साठ गाट और वही बंदे अगले अगले बार मैंने ले लिए फिर मैं अब जू मैं रह रहे तो नाश ये तो नाश ही होगा 100% में दे 2-3% जूस पे आए हुए थे कुछ कुछ दिल का आज लग और वो भी के दोस्त लग गया ना नुकसान ही हो रहा है बचपन तो नुकसान में ही हूँ मैं तो ये बोटी आते तो पेमेंट मारा क्या मेरी जूस जूस समझ गया इसकी बॉडी मैंने बनवा रखी है ये खुद कह रहा है देख लो ऑन रिकॉर्ड है बात कदे फालतू बकवास कर रहा ना जब दिखा दूंगा यार भाई मेरी इतने मैंने ही बनवा रखी है बॉडी ये पार्ट काट रखे ना किसी चीज से सही है चीनी थोड़ी खा लो ये एक और जगह आ गई यहाँ अभी पूरा रोड जो है वो धरती में जा चुका है ये देखो रोड है ही नहीं आपका नदी में जा लिया रोड तो बहुत आऊँगे भी तो वैसे ऐसे मेरा नहीं इकोनॉमी वगैरह तो पता नहीं क्या देगी या बट भी फिलहाल देखो रोड ये है और काफ़ी देर से ऐसे ही रोड पे चलते जा रहे हैं और देखो वहाँ जो गाड़ियाँ जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना तो ये रोड ऐसा ही है भाई मतलब रोड नहीं है यहाँ पे टूटा हुआ है बिल्कुल ख़त्म ऑफ रोड है ये ऑफ रोड तो नहीं कह सकते खैर इसने थार के एडवेंचर नहीं हाँ उसकी जिंदगी में गलता भाई तेज है नदी और ऐसी में पैर भीतर गए क्योंकि जी करेगा इसमें यो आ गया भाई उतरण की जगह तो देख ले कहां से दवे भी रुक गए वे भी हरियाणा के थे लाल अल्ट्रा वाले केंद्र लगाने तेरी पानी, कसम पानी कम टू गए पानी तो कम रहो की सीटें कड़ी बने क्या तो रहा हूं वो पीछे जो है ना वो सही सेफ है लेकिन ये आगे जो ना लग रही है बहुत रिस्की वीडियो जाओ ना आगे देखो एक वो जान लग रहा था वहां पे जान लग रहा उदन लग रहा कहता तू तिसड़ गया ना मजाक नहीं एक बार तिसड़ गया ना जिंदगी सेट हो जाएगी बताओ दिया अरे पता क्या है फिर दोस्तों के ला रहे हो ना माँ बाप पहले दोस्तों को ही नाम लिखवाओ ही ना मारे हो सब भूल जाए फिर सासी मिलगित का भैया चल ये व्लॉग एडिट करते करते ना मैंने देखा कि ये व्लॉग चला गया भाई 40-42 मिनट पे ठीक है अब मुझे पता है भाई मेरे छोटे छोटे व्लॉग तो देखते हैं 50-100 लोग 40 मिनट का तो कोई देखेगा नहीं तो मैं इस व्लॉग को अभी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ लेकिन ये जर्नी ख़त्म नहीं हुई है भाई और थार का फ्यूल इकोनॉमी भी अभी बाकी है बताना ठीक है अभी दिल्ली बहुत दूर है क्योंकि अभी इस दिन जो हमने ट्रैफिक सहा है ना उतना तो हमने कभी लाइफ में दिल्ली में भी नहीं सहा भाई दिल्ली जैसी जगह पे भी नहीं सहा ठीक है तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना इसका कंटिन्यू वर्जन ही है ठीक है थोड़ी क्लिप डाल देता हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग्स में क्या है थोड़ा बहुत वो डाल देते हैं ना है ना तो वो डाल देता हूँ ठीक है और सब्सक्राइब करके जाना शेयर करके जाना ठीक है
सो भाई अभी एक डेढ़ घंटा हो गया, हमें एक ही जगह खड़े थे, अभी थोड़े से 100 मीटर खिसके हैं, उधर से जो रोड आ रहा है वहाँ भी जाम है, उधर से जो रोड आ रहा है वो भी जाम है, और इधर वाला रोड तो यही ब्रिज कमजोर है। तो भाई 3 दिन पहले जहाँ जाम में फंसे थे वहीं जाम में लगा हुआ है, ट्रक आ रहा है सामने से उसकी वजह से, और ये गाड़ी वाला भाई, भाई। 2:10 हो गए हैं, यहीं खड़े हैं, कोई चक्कर नहीं, जाम ही कटवा रहे सुबह तुम तो, सुबह 10 बजे 9 बजे के नहीं खड़े, 9:15 बजे के पुलिस से काम करना पड़ेगा। एवरेज तो टाइम ये लाओगे लो फ्यूल